नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको फ्यूशिया को ग्रो करना सिखाऊंगी। मैंने कुछ दिन पहले इसके कुछ सीड्स डाले थे और उनके जो जो प्लांट्स निकल आए हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो कुछ और अभी ग्रो करूंगी। तो ग्रो करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो इसे फ्यूशिया को कई नामों से जाना जाता है और इसे लेडीज एयर ड्रॉप्स भी कहा जाता है। ये साउथ अमेरिका का नेटिव है। इसकी कई सारी जो हैं किस्में हैं, इसमें ज़्यादातर श्रब्स होती हैं। इस प्लांट का नाम एक जर्मन बोटनिस्ट के नाम से पड़ा था। इसकी लीव्स जो होती हैं 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इसमें छोटा सा फ्रूट भी लगता है जो कि डार्क रेड या पर्पल कलर में बेरी के रूप में होती है, जिसमें कई सारे सीड्स होते हैं और इसे खाया भी जाता है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। ये हमेशा पेयर में लगते हैं, जोड़े में लगते हैं। ये कई कलर्स में होते हैं, जैसे कि वाइट, पिंक, रेड, मजेंटा और पर्पल। ज़्यादातर फ्लावर्स 2 कलर में होते हैं। इसकी जो ट्रॉपिकल किस्में होती हैं उसमें साल भर फ्लावर्स लगते हैं। ठंडी जगहों जैसे पहाड़ी वाली जगह होती हैं उनमें समर में भी इसमें खूब सारी जो है फ्लावरिंग होती रहती है। प्रोपगेशन कैसे करनी है? ये सीड से जहाँ स्टेम टिप कटिंग से ग्रो होता है, जो ऊपर की कटिंग होती है स्टेम की ना, छोटी सी लेते हैं उससे। तो मैं अब अपने प्लांट्स भी दिखाती हूँ और इससे फिर ग्रो करना भी बताती हूँ। तो ये मैंने इसकी पोत तैयार की है, ये देख रहे हैं इस तरह के प्लांट्स हैं इसके। तो अभी कुछ कुछ उग ही रहे हैं, कुछ कुछ मैं देख रही हूँ छोटे छोटे। ये देखिए, ये बीच में निकल ही रहे हैं। तो ये मैंने 17 अक्टूबर को लगाए थे, सीड ऐसे ही डाल दिए थे। और 22 की जो सुबह एक जैसे पौधा निकला, फिर 2, फिर बीच में कुछ दिन छोड़ के फिर ये बाद में निकला, मतलब 22 को इसकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से, तो शुरू शुरू में जो इनकी ग्रोथ बड़ी ही स्लो होती है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने गोडेशिया के प्लांट्स लगाए थे। और प्लांट्स भी वो सेम वैसे ही दिखने में लग रहे हैं, अभी तक तो मुझे वैसे ही लग रहे हैं, उसकी तरह ही लग रहे हैं। तो ये देख लिए तो बड़े इजीली। तो मैंने ये जो पान की बेल जिसमें ट्रांसप्लांट की थी, ये पान की बेल मेरी देख रहे हैं, ये एक पोट में ये मैंने ट्रांसप्लांट की थी, तो इसी की एक साइड में। तो मैंने सोचा अभी ग्रो करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम ग्रो किया है तो मुझे आइडिया नहीं था कि सीड किस तरह का है और कितने दिन में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, होती भी है या नहीं। क्योंकि जब हम अनजानी शॉप्स वगैरह पे, कई बार जो सीड्स होता है वो सही भी नहीं होता, तो ये चीज़ भी होती है। तो इसलिए मैंने इसे पहले लगा के देखा ऐसे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सीड कैसा है इसका। तो इस तरह से ये फ्यूशे का जो सीड है, मेरे हस्बैंड ऊटी से ये लेके आए थे, तो बाज़ार कहीं घूमने गए थे, वहाँ किसी शॉप से लेके आए थे। तो इस पे जो लगाने के ये तरीका भी ये बताया हुआ है, ये भी मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन में दिखा देती हूँ। और मिट्टी के बारे में भी, कैसी मिट्टी, सैंडीलूम सॉइल, उसमें ये कैसे लगाने हैं। तो ये सब मेरे ख्याल से आपने अब ये देख लिया होगा। तो इसके जो सीड हैं वो थोड़े से सीड हैं, बिल्कुल दिए हुआ ये इस तरह से, ये देख रहे हैं ये सीड हैं इसके। तो मैंने कुछ ज़्यादा सारे इसमें लगाए थे और पौधे मेरे थोड़े कम निकले। तो सीड बिल्कुल जैसे कोक्स कॉम के होते हैं ना, उस तरह से मुझे लग रहे। तो मैं देख रही थी, चेक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कहीं गलत सीड तो नहीं डाल दिए होते कहीं। कई बार क्योंकि बाय मिस्टेक भी ऐसा हो जाता है जब पैकिंग करते हैं, या फिर कोई ऐसे भी बना देते हैं। तो ये सीड हैं इसके, पर कोक्सकोम के मुझे थोड़े से मैच करके देखे, वो थोड़े से बड़े लग रहे हैं इससे सीड, ये ऐसे इतने। तो इतने सारे मैंने डाले थे, तो इतने ही प्लांट्स ये मेरे निकले हैं। तो अभी ग्रो करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में आगे की आपको जानकारी दे दूं। तो ये जो स्टेम का मैंने बताया, बता रही थी कि स्टेम कटिंग से कैसे लगनी है। इसकी कटिंग लगाने के लिए लगभग 15 सेंटीमीटर स्टेम की कटिंग लेनी चाहिए, जिसमें 3-4 लीव्स हों। कटिंग तैयार हो जाने पर इसे टाइम से ट्रांसप्लांट करके बुशी करने के लिए
जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसकी पिंचिंग कर देनी है, तो उसमें खूब सारी ब्रांचेस निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी तो खूब सारे बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे तो फिर खूब सारे फ्लावर्स भी लगेंगे। तो इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या ऐसे भी पॉट में रख सकते हैं, बड़े ही खूबसूरत ये देखने में लगते हैं। आगे सॉइल, इसकी मिट्टी कैसी बनानी है, तो ये जो है मॉइस्ट रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल की से ज़रूरत होती है। तो जैसे सैंडी लोम सॉइल में, तो उसमें आपने क्या करना है, एक जो एक पार्ट है, एक हिस्सा आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का डाल लो, कंपोस्ट वगैरह जो पत्तियों की खाद होती है वो डाल सकते हैं, और एक हिस्सा आपने, एक जो पार्ट डालना है वो बारीक सैंड होती है वो मिला लें, और एक पार्ट आपने मिट्टी का मिलाना है। तो अगर आपके पास कंपोस्ट वगैरह ये नहीं है तो आप वो भी इसमें मिला सकते हैं, कोकोपीट भी मिला सकते हैं या पीट मोस भी मिला सकते हैं, तो उससे मिट्टी को वो मॉइस्ट रखेगा। तो इस तरह से आपने मिट्टी इसकी बनानी है। और जब ये ग्रो कर रहा हो तो इसे हर 2 से 4 हफ्ते में फर्टिलाइज़र दें। तो फर्टिलाइज़र हमारे पास कितने सारे होते हैं, घर में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, तो उस तरह से आप दे सकते हैं। और पानी, जब हवा में मॉइस्चर हो तो ये जो इसके प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से ये चलते हैं, इसको रेगुलरली पानी की ज़रूरत होती है। जब ये उग रहा हो तो इसे पानी कब देना है, जब ये मिट्टी की ऊपरी लेयर हल्की सी सूखी नजर आए, मेरा बोलने का मतलब कि जैसे जड़ें इसकी नाजुक नाजुक नरम होती हैं, अगर ओवर वाटरिंग करेंगे, बहुत पानी खड़ा रहेगा तो इसकी जड़ें जो है वो ख़राब भी हो सकती हैं, तो बस इस चीज़ का आपने ज़रा ध्यान रखना है, बहुत सूखने भी नहीं देना है। और धूप कैसे चाहिए, ये कम टेम्परेचर में अच्छे से चलता है, जब दिन का टेम्परेचर जो है 15 से 20 डिग्री हो तो ये अच्छे से चलता है। जब न्यू इसकी न्यू जैसे ग्रोथ इसकी हो रही है तो इसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए। तो चूंकि मैंने तो इसलिए इसको 17 अक्टूबर को ग्रो किए, क्योंकि मेरे यहाँ जो मार्च अप्रैल में खूब सारी गर्मी आ जाती है, तो मैं सोच रही कि उससे पहले इसके प्लांट्स तैयार हो जाएं। तो कुछ एक वैरायटीज़ ऐसी होती हैं कि वो पेरिनियल होती हैं, और कुछ मौसम के हिसाब से भी ये बड़ा फ़र्क पड़ता है कि किस तरह का मौसम है। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर इसके प्लांट्स, कई सारी वैरायटीज़ वो चलती भी नहीं है, और इस पे कुछ वैरायटी के बारे में लिखा भी नहीं है जो मैंने ग्रो किया है, इसमें सिर्फ फ्यूशिया लिखा और कुछ नहीं लिखा। तो अब ये मुझे नहीं पता कि ये मेरे मौसम में कैसी चलती है, तो मैंने इसलिए ग्रो कर दिया, कम से कम स्प्रिंग में तो इसके फ्लावर्स आएँ, अगर गर्मियों में ये मेरे यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया तो ये मैं अपने यहाँ का सोच रही हूँ। बाकी जो जिन जगहों में एक जैसा मौसम होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उनके तो ये प्लांट्स बने भी रहते हैं। बाकी जो जैसे गर्म जगह होते हैं तो इसे ठंडा टेम्परेचर चाहिए, ताकि फ्लावर जो बर्ड्स जो हैं डेवलप हों। अगर टेम्परेचर 26-27 डिग्री इससे ज़्यादा हो तो फ्लावरिंग नहीं होती है, हॉट और ड्राई एरिया में नई जो बर्ड्स अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं, और जो फ्लावर्स हैं वो झड़कर गिर जाते हैं। लेकिन इसकी जो कुछ हाइब्रिड वेराइटीज़ भी डेवलप की गई हैं जो गर्मी सहन कर लेती हैं, और अगर इसे इंडोर लगा रहे हों तो इसे खिड़की के पास रखें ताकि इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। अगर बाहर लगा रहे हैं तो शेड वाली जगह में, पोर्च वगैरह में रखें, और समर में इसे दो टाइम पानी दें। तो ये मैंने सबके हिसाब से जो जानकारी दी है, तो मैं तो मेरे तो इस पे कोई ऐसा लिखा भी नहीं है कि कौन सी वैरायटी है कौन सी नहीं है, तो अब हमें इसे ग्रो करेंगे। तो अब मैंने जो इसे रखा है, इसे धूप तो मिल रही है, आज तो मेरे यहाँ बादल है क्योंकि श्रीनगर में बर्फ़ वगैरह गिरी है, तो अभी धूप जैसे मैंने नेट के नीचे इसे रखा हुआ है, ताकि मैं सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना ऐसी मिले, तो अभी तो अच्छे से चल रहे हैं ये प्लांट्स, मैं नज़दीक से भी दिखाऊंगी इनको। तो ये लगाना कैसे है, मैंने एक पॉट में ये मिट्टी भर दी है, चाहे तो आप ऐसे भी साइड में ग्रो कर सकते हैं और बाद में इसे ट्रांसप्लांट कर लें, तो क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कोई पॉट नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसकी जो मैंने मिट्टी बनाई थी, इसकी पान की जो बेल लगा रखी, तो इसी तरह की कुछ मिट्टी थी, तो फिर मैंने इसमें ग्रो कर दिया। तो अब मैं इसमें जो इसके सीड हैं, ये देखिए बिल्कुल वैसे वैसे लग रहे हैं, इसके कोकस्पोम की तरह ही लग रहे हैं। तो एक टाइम तो मुझे ऐसे लगा कि शायद वो गलती से उन्होंने कोकस्पोम के तो नहीं डाल दिए हुए हैं पैकेट में, पर अब फिर मैंने नेट से ये इसकी ये सैपलिंग पूरा चेक करके देखी, तो मुझे बिल्कुल ऐसी ही दिख रही हैं वो, फिर मुझे थोड़ी शांति मिली कि फ़िलहाल तो ठीक ही लग रहे हैं मुझे, बस ऐसे स्प्रिंकल कर देने ऐसे।
तो मैं हाथ में लेके करती हूँ, वैसे मैंने इसमें डाल दिए, पूरा ऐसे करती हूँ। तो जितने भी निकल आएंगे फिर मैं कुछ अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़े थोड़े इसके प्लांट्स दूंगी, ये पूरे ऐसे थोड़े से बीज मैंने ना इसके बचा के रख लिए हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर जब ये मेरे अगर गर्मियों में नहीं सरवाइव करता है तो फिर अगले साल के लिए, तो मेरे घर में पता नहीं सीड्स के कैसे तैयार होते हैं, बस हल्के से मिलानी है, ज़्यादा नहीं। ये मैंने अपने गार्डन की जो मिट्टी एक पोट खाली किया, बालसम लगे थे तो वही मिट्टी मैंने, कुछ नहीं मिलाया इसमें खाद वगैरह, तो ये नरम मुलायम मिट्टी है बस ऐसे, और फिर पानी दे देना है। और इसके पौधे निकलने तक इन्हें आपने मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है, वैसे भी इसे मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, हल्की मॉइस्ट मिट्टी। तो ये मैंने रख दिया है, तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो तो फिर इसके जो सीडलिंग में थोड़ा टाइम भी लग सकता है स्प्राउटिंग में, तो फिर आप दिन में जैसे धूप में रख दें आपके ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, और रात के टाइम आप फिर इंडोर रख दें ताकि इससे थोड़ा गर्माहट मिले और जल्दी से इसके जो सीड निकल आए। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गया होगा, और नज़दीक से दिखाती हूँ फुशिया के, ये हैं इसके, ये देखा, ये स्टेम है ये अभी इस तरह से रेड कलर की, और ये तो अब ये थोड़े थोड़े जैसे बड़े होंगे तो फिर मैं इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूंगी किसी भी, चाहे हैंगिंग पोट में लगाइए चाहे, तो ऐसे किसी भी उसमें आप अगर हैंगिंग पोट में नहीं लगाना चाहते तो किसी भी उसमें जो पोट में आप लगा सकते हैं, तो 10 इंची पोट में आप 2-3 प्लांट भी इसके लगा सकते हैं इस तरह से, बस पिंचिंग करते रहिए आप। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जिन मेरे भाई बहनों ने फ्यूशिया को अभी ग्रो नहीं किया, करना चाहते हैं तो वो अभी जल्दी से कर दीजिए। तो ये देखिए मेरे यहाँ अभी ये भी खिल रहे हैं, मौसम आज बहुत बढ़िया है, श्रीनगर में बर्फ़ गिरी और मेरे यहाँ भी बादल जैसे हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है इसका। नमस्ते जी, शुक्रिया।